अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम है शान महल। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ चाइना का जो डिजिटल सिल्क रोड है और अमेरिका जो डिजिटल सिल्क रोड बना रहा है, उन दोनों में क्या फर्क है। अमेरिका क्यों डिजिटल सिल्क रोड बना रहा है और चाइना क्यों डिजिटल सिल्क रोड बना रहा है। वीडियो की तफसीलात में जाने से पहले, अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया उसे सब्सक्राइब कर लें और साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। अमेरिका जो डिजिटल सिल्क रोड बना रहा है वो इसलिए बना रहा है कि वो पाकिस्तान को और चाइना को धमका सके, क्योंकि पहले उसकी कोशिश थी कि जो डिजिटल सिल्क रोड चीन बना रहा है उसको खत्म किया जाए। वो उसने पूरी कोशिश की कि जो ये प्रोजेक्ट है ये पाकिस्तान और चाइना ना मिलकर बनाए, लेकिन जब चीन ने तमाम उसकी कोशिशों को नाकाम बनाया तो उसने अब ये न्यू एक काम शुरू किया। उसने अपना डिजिटल सिल्क रोड बनाने की कोशिश की है। अब उसने कॉल की है इसराइल को, इसराइल के साथ मिलकर वो अपना डिजिटल सिल्क रोड बना रहे हैं। अपना डिजिटल सिल्क रोड इसलिए बना रहे हैं, जो चाइना था उसके पास अब तमाम मालिक का जो डाटा वो चीन के पास आना था, लेकिन वो अपना बना रहे हैं कि चीन किसी तरह भी तमाम मालिक का डाटा हासिल ना कर ले और चीन सुपर पावर ना बन जाए। चीन को सुपर पावर बनने के लिए जो सबसे ज्यादा चीज की जरूरत थी वो उसका जीडीपी अमेरिका से कम था और तमाम चीजें अमेरिका से उसकी ज्यादा है, लेकिन जीडीपी जो है वो अमेरिका से कम है, जिस वजह से जो चीन है वो अमेरिका की जगह सुपर पावर नहीं है। लेकिन उम्मीद की जा रही है कि आने वाले वक्त में जो चीन है वो सुपर पावर होगा, इसीलिए चीन हर वो काम कर रहा है जिससे उसे फायदा हो और हर वो काम कर रहा है जो कि उसकी मालूमात अमेरिका तक ना पहुंचे। उसका डिजिटल सिल्क रोड यह था कि वो तमाम मालिक को एक इंटरनेट वायर के साथ कनेक्ट करेगा, जिसके जरिए तमाम मालिक कनेक्ट होंगे आपस में और तेज तरीन इंटरनेट सर्विस पूरी दुनिया को फ्राहम करने जा रहा था। लेकिन अमेरिका को इस बात का खतरा था, क्योंकि अमेरिका के पास पहले तमाम मालिक का जो डाटा अमेरिका के पास लैंड होता था और जितनी भी जो कंपनी है इंटरनेट फ्राहम करने वाली वो अमेरिका की थी, यानी कि वेस्टर्न कंपनी थी जो हमें ये इंटरनेट सर्विस फ्राहम करती थी, और तमाम उनका ये जो जाल था इंटरनेट केबल का वो अमेरिका का बिछाया हुआ था। लेकिन जो आने वाला वक्त है इस वक्त इसमें तसव्वुर किया जा रहा है कि जो चीन है वो तमाम मालिक को आपस में कनेक्ट करेगा, जबकि उसने ये प्रोजेक्ट शुरू कर दिया, पाकिस्तान में इसका काम मुकम्मल हो चुका है। लेकिन जो अमेरिका उसने अब शुरू किया, सिर्फ अभी तक कॉल किया एक, और पहले उसकी कोशिश थी ये डिजिटल सिल्क रोड ना बने। पहले उसने तमाम मालिक को ये कहा कि अगर आप इसके साथ कनेक्ट हुए तो आपका तमाम डाटा चीन चोरी करेगा और बाद में इसको यूज करेगा। लेकिन जब चीन ने इस बात पर लोगों को मुत्तफिक कर लिया कि आपका डाटा किसी दूसरे काम के लिए यूज नहीं होगा, ये मुकम्मल एक पीसफुल और अमन वाला प्रोजेक्ट है जिसमें तमाम मालिक का डाटा और सिक्योरिटी का ख्याल रखा जाएगा, जब अमेरिका को इस बात का पता चला तो अमेरिका ने अपना डिजिटल सिल्क रोड बनाना शुरू कर दिया। अमेरिका का जो डिजिटल सिल्क रोड है वो अभी तक सिर्फ एक मंसूबा है, उसकी कोई अमली शक्ल नहीं है। लेकिन जो चीन ने डिजिटल सिल्क रोड बना रहा है उसने मुकम्मल बनाना शुरू कर दिया। पाकिस्तान में इसकी तमाम इंटरनेट केबल, तमाम वो केबल इंटरनेट वायर जो के फाइबर ऑप्टिक्स की केबल हैं वो बिछाना शुरू कर दिए और पाकिस्तान में इसका काम मुकम्मल हो गया। इसके साथ साथ मालिक इस वक्त तक जुड़ भी चुके हैं, जिसमें अफ्रीका, शुमालिया, जिबूती वगैरह मुख्तलिफ मालिक शामिल है। सात मालिक इसके साथ जुड़ चुके हैं और वो तमाम मालिक जो कि सी पैक में तजारत करेंगे। पहले अमेरिका सबसे ज्यादा तजारत करता था, लेकिन इस वक्त जो है चाइना पूरी दुनिया में अपना माल सप्लाई कर रहा है। लेकिन पहले जो इसको रास्ता लगता था वो उसको समुंदर के रास्ते में दूसरे मालिक तक जाना पड़ता था, जो कि बहुत लंबा रूट था और बहुत लंबा प्रोसेस था। लेकिन जो अब वो रूट बना रहा है, वो अब रोड न्यू बना रहा है, उसके जरिए वो शॉर्टकट तरीके से पूरी दुनिया को अपना माल सप्लाई करेगा। इससे पाकिस्तान को ये फायदा होगा कि पाकिस्तान को बहुत से लोगों को रोजगार मिलेगा। अभी तक की जो अभी तक का जो काम है, इस वक्त तक तकरीबन 80,000 लोगों को इस वक्त तक रोजगार चाइना का जो सीपैक मंसूबा शुरू किया गया है इससे मिल गया है। लेकिन आने वाले वक्त में ये तवक्को की जा रही है 2 से 3 लाख लोग जो है सीपैक की वजह से अपना रोजगार हासिल कर सकेंगे और बहुत ज्यादा पाकिस्तान तरक्की करेगा और चीन पाकिस्तान को हर वो चीज फ्राहम करेगा जो को उसकी सिक्योरिटी को यकीनी बनाएगी। अमेरिका की पूरी कोशिश है कि वो पाकिस्तान को मजबूत ना होने दे, लेकिन चीन की ये मजबूरी है कि वो पाकिस्तान को मजबूत करेगा। अगर वो पाकिस्तान ना मजबूत हुआ तो वो पूरी दुनिया में तजारत नहीं कर सकेगा, इसलिए सिक्योरिटी वगैरह हर चीज चीन हमें फ्राहम करेगा और ऐसी टेक्नोलॉजी हमें देगा जो कि उसके अपने पास है, जिसकी इस्तेमाल करते हुए उसने इंडिया को पूरे के पूरे इंडिया के अंदर बम्बई के अंदर 2 घंटे पूरी बिजली बंद कर दी थी, जिसमें उसको $1 मिलियन का नुकसान हुआ है और उनको पता भी नहीं चला कि किसने ये किया। और बाद में
चीन ने खुद एतराफ किया कि हमने इनकी बिजली बंद की थी, अब ये टेक्नोलॉजी जो है वो पाकिस्तान के पास आएगी और पाकिस्तान और तरक्की करेगा। जो आने वाला दौर है इसमें तमाम तक जो जंगें हैं वो इसी तरह होगी, उसका डाटा हैक कर ले और उसका तमाम रिकॉर्ड, वो कहाँ पर उसकी आर्मी है, अगर ये तमाम चीज़ें हमें पता चल जाए तो हम उस पर आसानी से उसको उस मुल्क को हरा सकते हैं। इसीलिए जो अब भारत है वो भी हमारे साथ कनेक्ट होने जा रहा है, और भारत ने भी चीन के साथ मुहदा किया कि हमें भी 5G जो इंटरनेट है वो फ्राहम किया जाए, और ये इस वक्त पूरी दुनिया की मजबूरी बन चुका है। और इस वक्त जितनी तेज़ी से टेक्नोलॉजी जो है वो बढ़ रही है और जितनी तेज़ी से इसमें जिद्दत आ रही है, इसलिए 5G तमाम मालिक की ज़रूरत है, और 5G ही होगा जो कि पूरी दुनिया में हाई स्पीड इंटरनेट फ्राहम करेगा, वो चाइना ही होगा। लेकिन अब तक जो है तकरीबन 12 मालिक में 5G जो है वो ऑलरेडी है, लेकिन उसकी भी स्पीड इतनी अच्छी नहीं है जो, लेकिन जो चाइना इस वक्त स्पीड देने जा रहा वो हाईएस्ट स्पीड होगी, तमाम मालिक से हाईएस्ट स्पीड होगी। जो इस वक्त सबसे हाईएस्ट स्पीड इंटरनेट चला रहा है वो सऊदी अरब है, और जो जिसकी स्पीड सबसे कम है वो अमेरिका वो कंट्री जो इतना जिद्दत पसंद है और इतना ज़्यादा जिद्दत वाला मुल्क है, वहाँ पर जो 5G इंटरनेट सर्विस है वो सबसे, जो तमाम मालिक में 5G चल रहा है 12 मालिक में, उनमें से सबसे जो कम स्पीड है वो अमेरिका में है, और उसके बाद जो सबसे ज़्यादा स्पीड है वो सऊदी अरेबिया में है। कैसी लगी आज की मेरी ये वीडियो मुझे कमेंट सेक्शन में जाकर ज़रूर बताइएगा, और मज़ीद ऐसी वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ बेल आइकन को भी दबा दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।